कि एक और डिमेंशन है इस प्रोग्राम की कि वातावरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसानों की जो मांगे हैं इसको अगर आगे इसके एक्सटेंशन करें हम तो ये वातावरण से संबंधित है। फर्ज कर लो वीट है, पैडी है, ये पंजाब में उगाई जाती है, इसने पंजाब का पानी खत्म कर दिया, पंजाब के लोगों की हेल्थ खत्म कर दी, इसने चिड़िया जिसको गौरैया वगैरह हम बोलते हैं हाउस स्पैरोज वो खत्म कर दी और गिद्ध खत्म कर देती। बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं पटियाला से छोड़कर, मानसा है, संगरूर है, बरनाला है, इसमें मोर पीकॉक जिसके बोलते हैं आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं वो खत्म कर दिए हैं। सो अगर ये मांगे उनकी मानी जाती है, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में आती है, तो पहली बात ये होगी कि ये जो वातावरण का असंतुलन हुआ है, इम्बेलेंस हुआ है, वो कैम होगा। और ये कल्ले किसानों की जिंदगी का सवाल नहीं, ये ह्यूमन लाइफ का सवाल है जो आज दैट इज एट द स्टेक। इसको बचाने की जरूरत है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए, जो देखा नहीं जा रहा है। सिर्फ इसलिए देखा जा रहा है, इस तरफ ही देखा जा रहा है कि ये पंजाब के लोगों का प्रॉब्लम है, भी ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो केस को हाईलाइट करेगा वही करेगा जो चेतन होगा। और पंजाब के लोग हमेशा से हिस्ट्री में देखिए तो गलत चीज के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जब बाबर ने हमला किया था, गुरु नानक ने यहाँ से आवाज उठाई थी, कूड़ की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगाया दान भी ला लो, तो उसी के पैरोकार हैं ये लोग। ये मनुष्यता को बचाना चाहते हैं, इस डायमेंशन में सोचना चाहिए सरकार। कह रहे थे कि अभी तक आप लोग एकदम चुप बैठे थे और ये इलेक्शन नहीं, चुप नहीं बैठे थे, ये सरकार पहले इससे पहले 7 बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। बरनाला में प्रोटेस्ट हुआ, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हुआ, करनाल में प्रोटेस्ट हुआ, बख बख जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, डीसी इसको मेमोरेंडम दिए गए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ये गलत बात है। ये तो एक ऐसा है कि डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही हैं। अब दूसरी है, फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन जहां नहीं आई उन्होंने रेल को रोका है, रेलों को रोका, आपको पता होगा 16 तारीख की स्ट्राइक सी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। ये तो डिफरेंट टाइम पे देखना होता है ऑर्गेनाइजेशन ने कि अब हम संघर्ष की स्ट्रगल की कौन सी फॉर्म अपनाएं। अच्छा, किसान कितने घायल हो गए हैं अब तक यहाँ पे? यहाँ पे 2 की तो डेथ ही होगी, एक खनौरी पे हुई है, एक यहाँ पे हुई है, घायल की तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा, डेथ जो हुई है वो किस कारण हुई है? एक हार्ट अटैक कहा जा रहा है। नहीं, चलो वो तो मेडिकल रिपोर्ट का मसला हैगा, लेकिन बेसिकली तो वो संघर्ष का पार्ट थे ना। वो तो मैं कोई अथॉरिटी नहीं, हाँ आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डायग्नोस द बॉडी, और ठीक है। तो इसी तरह तो ये सेम क्वेश्चन जो 750 पहले लोग शहीद हुए हैं उस स्ट्रगल में, उस पर भी कोई कह सकता है कुछ भी। हाँ, ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक सरकार है जो लोगों की समस्या को उसका कोई समाधान नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा, क्योंकि लोग लड़ना कोई किसी का शौक तो होता नहीं, ये मजबूरी है, दे हैव टू फाइट। So that will be continued until this final solution of these problems. If these problems are not settled, it will continue forever. पूरे परिवार के साथ सब लोग यहीं पे? हाँ, यही आते हैं। परिवार क्या, वो कोई वहाँ ड्यूटी दे रहा है, यहाँ ड्यूटी दे रहा है, सभी इन्वॉल्व हैं। ये तो पंजाब की मिट्टी है, जो ये इसकी खुशबू में स्ट्रगल है। सो ये लीड करता है, करता रहेगा। क्या लगता है इस उम्र में आप लोग आंदोलन पे आ गए? हाँ, जाते जाते हैं, कभी भी आते हैं, 3 साल से जाते हैं यहाँ। तो क्या लगा था कि इस उम्र में भी आके एक सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा अपने? हाँ, करना तो पड़ेगा, तो दिखो रहा सरकार के मन साफ नहीं ना होते हैं। हाँ, मन साफ होते नहीं है, करते कुछ है, करते कुछ है, वोटा के टाइम कुछ बोलते है, कोई हमारे के तो कैसे भी उग्रवादी भी कह देते है पंजाब के, उत्तर कह देते कलकत्ते में। सरदार को बीजेपी के एमएलए ने बोला है, कहा ये उग्रवादी होते हैं, कहा साफे वाले होते हैं। तो इतना करके कहाँ से आना हुआ आपको? असि श्री मुक्सर साहब। अच्छा,
क्या लग रहा है इस आंदोलन में? बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही मांग जो अपनी मंगा लेनी है उसमें मजा ही मजा, उसमें नुकसान क्या है? जैसे अभी तक काफी आप लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, चले जाएगा। अभी तो लीडरों वो सेंटर का आया ना बुलावा, भाई बात करेंगे, अगर बात तो उनके साथ करनी है, वहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है। अगर वो यहीं करते हैं तो हम क्यों दिल्ली जाएंगे? हमारी जो मांगे हैं वो यहीं मान लें तो हमारा दिमाग थोड़ा खराब है, भी इतना 2-3 करोड़ का तेल और साढ़े और दिल्ली जाएं, क्या मतलब है? इधर दे दो ना हमारी फसलों की MSP दे दो, पूर्ण कर्जा माफी कर दो, लेकिन पर खीरी का हमको इंसाफ मिल जाए, और भी जो डिमांड्स हैं, बिजली एक्ट है जो उसको रद्द कर दें, तो हम क्यों जाएंगे दिल्ली? अच्छा, गोदी मीडिया यहाँ पे क्या रोल आप लोग के सपोर्ट में है? गोदी मीडिया तो वो गोदी मीडिया रहेगा ना, गोदी मीडिया तो वही है जो पहले था, वो तो ऐसे ही चलेगा। ये तो तुम्हारे जैसा जो निरपक्ष मीडिया है वही दिखा रहा है भी किसान कितना परेशानी में है, क्या हो रहा है। वो तो बोल रहा है ये यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, गोदी मीडिया तो ये बोल रहा है भी किसान पिकनिक मनाने आ रहे हैं, वो पीछे से पुरानी फोटो जो कहीं इलेक्शन की है कितने वो दारू बांट रहा है कोई, वो इधर फिट करके दिखा रहा है, ये देखो किसान दारू पी रहे हैं, ये मांग रहे हैं दारू एक दूसरे से। तुमने भी इतने दिन हो गए देखा किसी को दारू पीते? नहीं, देखा है ऐसे दारू बांटता कोई? तो फिर गोदी मीडिया का तो काम ही हो, तो उसकी गोदी का ना, वो तो उसको खिलाएगा। वो कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग मांग को लेकर चुप थे और जैसे चुनाव पास आया तो आप लोग चुप नहीं थे, कहीं आप दूसरे को सपोर्ट करना? मैंने जब का ये आंदोलन हमने दिल्ली से आए ना, तब से जो हमारी रहती डिमांड्स है उसके लिए मैं जिला श्री मुक्तसर साहब का किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जिला प्रेसिडेंट हूँ, तब से लेकर आज तक हमने हमारे DC को देना है ना मांग पत्र, मेरा ख्याल 1000 मांग पत्र दे दिया होगा, मुख्यमंत्री के नाम, गवर्नर के नाम, और वो सेंटर को उन्होंने भेजना, हम तो भेज नहीं सकते सीधा, तो कौन चुप था? तब इनको अल्टीमेटम दिया, भाई हम 13 फरवरी को अब आ रहे हैं, तो इन्होंने फिर पहले बात मान ली होती तो हम यहाँ क्यों आते? तो अब तो आ गए जब मेहमान बन के, अब जाएंगे फिर दिल्ली? अगर नहीं, हमारा आलू है, आलू जब हम उत्पाद करते हैं उसका, जमींदार करता है, तब तो हमारा जो बोरा लगता ना उसको, वो बोरे का खर्चा भी नहीं मिलता, कई बार तो हम ट्रालियाँ ऐसे पलट जाते हैं रोड पे, जब इनके घराने जो कारपोरेट घराने हैं इसके कब्जे में आ जाता, वही आज 25 का मिल रहा है, 25 रुपये का, हमारा 2 रुपये में ले रहे थे। तो ऐसे ही गंडा प्याज वो नास्क, हमारा जो किसान भाई नास्क है उससे ये फ्री ले रहे हैं, 2-3 रुपये मतलब उसको दे रहे हैं, तो हमारे को 80 रुपये नहीं बेचा इसने सियाल में, तो उसका अक्सर मतलब एक प्राइस बन जाए, मान के चलो 30 रुपये हो जाए, तो हमको तुमको सब गरीब वर्ग को पता होगा भी 40 रुपये का मिल जाएगा प्याज, पता तो हो ना। अब वो 2 का लेके 100 का बेच रहे, 98 रुपये का जो अंतर है वो कौन निकालेगा? वो किसके घर कहाँ जा रहे हैं कारपोरेट में? ऐसे ही हमारा किन्नू है, क्योंकि हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ किन्नू की खेती है बहुत ज़्यादा अबोर एरिया में, तो वो हमारा किन्नू जो है वो ले ही नहीं रहे किसी रेट पर भी। हमने फाजिलका जो DC ऑफिस है उसके सामने जितने भी मतलब किन्नू की खेती करते हैं सब ने ट्राली रोड करके DC के दफ्तर में गिरा दी, तो अब 7 रुपये ले रहे हैं हमसे, 7 रुपये लेके 50 रुपये बेच रहे हैं हमारी मंडी में। तो इतना अगर इसके ऊपर भी MSP हो जाए, लहसुन प्याज जिसको लहसुन बोलते हैं, वो लहसुन की खेती है जहाँ हो रही है, वो ये देख लो क्या रेट लेते हैं हमसे, वहाँ ये रह रहे 25 रुपये और हमको दे रहे हैं 100 रुपये पाइया, 400 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो ये लूट हो रही है ना। हम तो 23 फसलों पे मांग रहे हैं, ये 3 पे दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम आपके फायदे के लिए जो भी चीज है। हाँ, फायदा तो कारपोरेट का हो रहा है, हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी तो बोल रहे थे 2022 में किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, ये सभी किसान है किसी से पूछो दुगनी हुई, कर्जा दुगना हो गया। अगर मेरे सिर पे वहाँ उस टाइम 1 लाख था, आज 2 लाख है, जिस पे 4 लाख था 8 हो गया, कर्जा दुगना हुआ है, हमें तो नहीं दिखा कहाँ हुई है दुगनी। हाँ, जो इम्प्लीमेंट हम इनसे खरीद रहे हैं उनके रेट दुगने हो गए, फर्टिलाइजर है जहाँ हम ये ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, स्प्रे वगैरह जो भी, उसका दुगना रेट हो गया। डीजल का देख लो कहाँ गया, ये सिलेंडर कहाँ गया, सरसों का तेल है वो कहाँ गया, लून मिर्च मसाला जो भी हर आदमी बरत रहा उसका रेट देखो ना। जब मोदी जी आए थे तब क्या बोले थे, बहुत सैली महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद कभी महंगाई पे बात की है प्राइम मिनिस्टर ने? कभी बेरोजगारी पे बात की है? जो ये बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे किसान का, कर्जा मुक्ति का, तभी इन्होंने मुख्यमंत्री होते बोली हुई थी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो सभी किसान का मजदूर का कर्जा माफ कर दूंगा, तो अब कहाँ है?
क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप लोग का आरोप है कि उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार ही उनकी है, भाजपा सरकार ही व्यापारी सरकार है, ये तो अपना फायदा देखती है, इनके लिए ये सब कीड़ा मकौड़ा है, कुछ नहीं है। अगर ये समझती हुए भी ये जो किसान है ये मेरे देश का है, तो ये चीन का बॉर्डर है क्या? यहाँ पे इतने कंटीले तार बिछा दिए, इतने इतने किले लगा दिए, बैरिकेडिंग 8-8 फुटी बैरिकेडिंग कर दी, कहाँ कहाँ की मिलिट्री ला के बैठा दी। मिलिट्री अपने देश के नागरिकों के लिए होती है कि दूसरे मुल्क के? ये तो जो प्रोटेस्ट होता है ना उसको कवर करने के लिए लोकल पुलिस होती है, तो ये किस संविधान में लिखा फौज लगाने का? और फौज को किसने अधिकार दिया वो गोली सीधी मारे? उन्होंने तो हमारा 150 आदमी जख्म कर दिया पहले दिन, वो अस्पताल में पड़े हैं, एक की तो आँख ही चलेगी, तो उसका जिम्मेवार कौन है? किस पे पर्चा होना चाहिए? हरियाणा के गृह मंत्री पे, जहाँ खट्टर पे, और जहाँ प्राइम मिनिस्टर पे? इसका जवाब कौन देगा? कहाँ किस संविधान में लिखा है नेशनल हाईवे को ऐसे बंद कर दो? अगर ये किसी किसान ने, किसी और व्यापारी ने, छोटे वर्ग के किसी मजदूर ने बंद किया होता ना, तो डंडे मार मार के निकाल देते, तो अब कौन मारेगा इनके डंडे? लोग कितने परेशान हो रहे हैं, जिनके बच्चे 40-40 लाख रुपए दे के टिकट लगी हुई है, वीजे लगे हुए हैं, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, उसका जिम्मेवार कौन है? किसान तो कर्जा लेके जहाँ जमीन बेच के अपना बच्चा बाहर अच्छे के लिए भेज रहा है और वो जा ही नहीं पा रहा, उसका जिम्मेवार कौन है? कौन सरकार है? पंजाब सरकार है, खट्टर सरकार है, या सेंटर सरकार है? कौन जवाब देगा? ये है, हमको तंगी बहुत ज्यादा है, ये ऐसे करके तो रोक नहीं सकेंगे, कितना चिर रोक लेंगे? हम यहीं ठहरे हैं, कभी तो फिर लहर आएगी। क्या लग रहा है, कहाँ से आप, आपका कहाँ से आना हुआ? मकसद साहब। अच्छा, क्या लगता है इस आंदोलन में कहाँ तक सरकार, कब तक मानेगी आपको? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार माने या ना, कब मानेगी तो उनको पता है ना। अच्छा, हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी आए हैं, किसान तो सभी बैठे हैं। क्या लग रहा है दादाजी, इस उम्र में देश के लिए आप निकल गए? देश लिए आए हैं, ये किसान जो देश की रक्षा करने वास्ते आए हैं, रक्षा करते रहेंगे तो करेंगे भी। दूसरी गल, किसानों नाल सरकार ने मथा लाया, सुख नहीं पाएगी, ये तो बाबे नानक का हाथ आ, ठीक है, ये जो इन्हें नाके नुके लाए आ, ये पतासे में भोर के सुट देंगे, ये तो सिंगड़ी गलबात कोई नहीं गी। बाबे नानक दे जो लंगर आ ये बंद करने चाहते आ, ये बाबे लंगर का नानक का जो लंगर है कदी वास्ते बंद नहीं होगा, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਣਕ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਢੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਾਨ ਦਈਏ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਉਹ ਖਾਣ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਨੀ ਦੇ ਬਗਾਨੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਟਿਬਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਥੇ ਔਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਯਹਾਂ ਪਰ। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।